दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया आज का ये मुकाबला जीत कर इस सीरीज पर भी अपना कब्जा जमा ले, तो कमेंट बॉक्स में टीम इंडिया के सपोर्ट में कमेंट करना बिल्कुल ना भूले और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। भारत और वेस्टइंडीज के बीच आज 3 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा। भारत ने पहला T20 मैच 6 विकेट से जीत कर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना रखी है। भारत अगर आज का मुकाबला जीत लेता है तो सीरीज पर उसका कब्जा होगा। तो ऐसे में दूसरे T20 मुकाबले के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में कई बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। ये बदलाव क्या होंगे, आइए आपको बताते हैं। ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो कप्तान रोहित शर्मा और ईशान किशन का ओपनिंग के लिए उतरना तय है और मिडिल ऑर्डर में नंबर 3 पर विराट कोहली बल्लेबाजी के लिए उतर सकते हैं। चौथे पर विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का आना लगभग तय है। नंबर 5 पर सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने उतरेंगे। ऐसे में दीपक हुड्डा का बतौर स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर नंबर 6 पर सेलेक्ट होना तय है। दीपक हुड्डा अगर खेलते हैं तो वेंकटेश अय्यर को बाहर बैठना पड़ सकता है। स्पिनर और तेज गेंदबाजों की बात करें तो रवि बिश्नोई के साथ कुलदीप यादव को मौका दिया जा सकता है और यजुवेंद्र चहल को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। चहल पिछले T20 मैच में काफी महंगे साबित हुए थे, ऐसे में टीम इंडिया के पास कुलदीप यादव का एक विकल्प मौजूद है। हर्षल पटेल, भुवनेश्वर कुमार और दीपक चाहर को बतौर तेज गेंदबाज प्लेइंग 11 में मौका मिल सकता है। आज का ये मुकाबला टीम इंडिया के लिए बेहद खास है, क्योंकि अगर आज ये मुकाबला टीम इंडिया जीत लेती है तो इस सीरीज पर भी टीम का कब्जा होगा। रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है, ऐसे में देखना ये होगा कि आज का मुकाबला टीम इंडिया अपने नाम कर पाती है या नहीं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया ये मुकाबला जीत कर इस सीरीज पर भी अपना कब्जा कर ले, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।